पियण। यार पियण तो खैर ये कैसा नाम है जो हमारी जबान में तो पानी पीने को कहते हैं पियण। पियर ये कोई फल है या कोई डॉक्टर साहब की दवाई? तो मैंने मैंगो बनाना स्ट्रॉबेरी सुना है, ये पेयर ये अजीब नाम है। पेयर यार ये तो मैंने पहली बार सुना है ये नाम। वैसे हर मुल्क रंगो नस्ल मतलब के अलग होते हैं फ्रूट, लेके आओ दिखाओ यार। सर ये है पेयर, ये दुनिया भर में पैदा और खाए जाने वाला फल है। ये मौसम गर्मा के आखिर में मौसम खेड़ा के वस्त्र में काटे जाते हैं। ओहो तो ये पेयर। यार ये एक दफा मैं फल खरीद रहा था तो रेड़ी पर मैंने देखा हुआ था रखा हुआ। वैसे देखने में तो मुझे ऐसा लगा जैसे अमरूद है, लेकिन जब करीब से देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई इम्पोर्टेड फ्रूट हो। बदकिस्मती से मैं तो खरीद नहीं सका क्योंकि ये 1 किलो 500 रुपए का था और अमरूद जो है ना वो 100 रुपए के मिल गए थे। ये पियर है जी। यार बेर तो खाए मैंने, ये पियर कैसा है यार? ऐसा इतना सख्त है, ऐसा लग रहा है कोई कच्चा फल है ही शायद। यार ये तो टिंडा जैसा लग रहा है यार। ये फ्रूट है या कोई सब्जी है मतलब क्या है? आप हमसे मजाक कर रहे हो लगता है। वैसे यार इस फल को देखकर तो बड़ी खुशी हुई और इस चैनल की बदौलत आज जो है ना इसको खाने का भी। वैसे यार इतना महंगा फल तो हम कहाँ खरीद सकते हैं। थैंक यू इस चैनल एंड नाजरीन। यार वैसे इसका कलर तो बड़ा प्यारा है यार, और वैसे भी ग्रीन कलर तो है ना कुदरत और फितरत की निशानदेही करता है। यार इसको काट के खाता हूँ क्योंकि कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको कीड़ा जल्दी लग जाता है इस गर्मी में। यार ये खाने में तो सेब जैसा है लेकिन जायका अलग है, ना ज्यादा मीठा है और ना ज्यादा खट्टा है। मजेदार यार और रस भरा है। मुझे तो लगा अमरूद की तरह होगा लेकिन इसकी जो साख्त है ना वो साख्त है मतलब जैसे कच्चे सेब की तरह। वाह यार ये कैसा फल है, मीठा मीठा और इसमें जूस बहुत है। यार ये फल तो प्यास भी बुझा देगा। वैसे यार फल भी जो है ना खुदा की नेमत है और हर फल के कोई ना कोई फायदे होते हैं, यानी किसी बीमारी में काम आते हैं। अब ये फल पता नहीं अब कौन सी बीमारी में काम आता होगा, और शायद हो सकता है हमारे बुजुर्गों को पता हो इस फल के बारे में। वैसे यार ये फल मैंने अपने इलाके में कभी नहीं देखा, वैसे ही कोई महंगा फल लग रहा है। और वैसे भी हम हर रोज महंगा फल तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। यार हम अमरूद को ना चाट मसाला लगा कर खाते हैं ना, तो मैं तो कहता हूँ इसको भी चाट मसाला लगा कर खाओ ना, होए मजा आ जाएगा। यार वैसे ये फल जो है ना सब्जी और फ्रूट का दोनों का मिलाप है, यानी देखने में ये सब्जी और खाने में फ्रूट। यार अगर ये फल मुझे मार्केट में सस्ता मिल जाए ना तो मैं ये फल खरीद के फ्रूट चाट बना के खाऊंगा। केले सेब अंगूर भी साथ में होते हैं, वो चाट बना के ऐसे मजे की। यार यकीन करो मैं ना फ्रूट शौक से नहीं खाता मगर इस फल में ऐसा जायका है ना जैसे बच्चों की खाने की चीज है। वैसे यार आज जो है ना मैं ये एक मतलब फल मैं अपने साथ ले जाऊंगा, अपने बच्चों के साथ खाऊंगा। वो देखकर हैरान तो होंगे कि पता नहीं ये टिंडा हमारे यहाँ जो सालन में टिंडा डलता है वो इस तरह का होता है। बहुत ही जबरदस्त यार। वैसे मुझे ये फल तो बहुत पसंद आया, लेकिन हमारे नाजरीन में से किन को पसंद है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वेरी ब्यूटीफुल टेस्ट। यार मैंने सुना है बाहर मुल्क में लोग मतलब के डब्बे वाले फ्रूट लेते हैं, मगर मैं तो कहता हूँ ना ताज़ा फल खरीदो, उसमें बड़ा मजा है। फ्रिज में रखने से बेहतर है पड़ोसियों में बांट दो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी।